दोस्तों अगर जियोनी की बात करें तो इस कंपनी ने बहुत तरक्की की है, ये अभी बहुत सारे फोन लॉन्च कर रहा है। अभी इसने लॉन्च किया है S6 जिसकी मैंने कंपैरिजन वीडियो की थी, और आज हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं जियोनी के एक मोबाइल F103 प्रो का। ये उसका बॉक्स है दोस्तों, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको खोलते ही मोबाइल मिलता है, ये है जियोनी F103 प्रो, और इसमें 3GB की रैम आपको मिलती है। फिर आगे अगर देखें तो ये क्विक स्टार्ट गाइड्स है इसकी, और ये जियोनी की प्रोडक्ट वारंटी है, ये रखिएगा दोस्तों, अगर आपका मोबाइल कहीं खराब हो गया तो ये बहुत काम आएगा इसमें। फिर आगे आप हमें एक चार्जर मिलता है, ये दोस्तों 100 से लेकर 240 वोल्ट का इसमें है इनपुट, और 0.2 एम्पियर का है, तो नॉर्मल चार्जर ही है ये दोस्तों, फास्ट चार्जर नहीं है। तो यहाँ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, पर नॉर्मल चार्जिंग भी इतनी तेज है कि आपका मोबाइल अराउंड 2 घंटे के आसपास ये पूरा चार्ज हो जाएगा। फिर आगे अगर बात करें तो यहाँ पे ईयरफोन्स मिलते हैं, ईयरफोन्स नॉर्मली हमें ज्यादा अनबॉक्सिंग में नहीं मिलते हैं, तो ये जियोनी के ब्रांड न्यू ओरिजिनल ईयरफोन्स है। फिर आगे अगर हम बात करें तो USB केबल है जो चार्जर से कनेक्ट करती है, और आपके कंप्यूटर से भी आपको कनेक्ट करती है। दोस्तों अगर इस मोबाइल की बात करें, इसका ओवरव्यू देखें, तो यहाँ सामने की तरफ आपको 5 इंच की HD स्क्रीन मिलती है। फिर अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको 5MP का एक कैमरा मिलता है, और फिर पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16MP का आपको कैमरा मिलेगा विथ फ्लैश, ये जियोनी का सिंबल, और यहाँ पे सार रेटिंग शायद नहीं लिखी है। फिर साइड में ये वॉल्यूम रॉकर्स और आपको स्विच बटन मिलता है। फिर नीचे आपको टाइप बी USB पोर्ट मिलेगा जहाँ पे आप अपना चार्जिंग स्लॉट चार्जिंग केबल डाल सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 3GB का रैम मिलेगा और 16GB का यहाँ पे इसका स्टोरेज है। फिर अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कुछ फोटो खींचे हुए हैं, तो बहुत क्लियर है दोस्तों इसका कैमरा। दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 2400 mAh की आपको बैटरी मिलेगी इसका। अगर बैकलिट टाइम अगर मैं कहूँ अराउंड 8-9 घंटे आपको दे देगा बैकलिट टाइम, फिर सुबह अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो शाम तक आप इसको चला सकते हैं। फिर आगे चल के अगर हम स्क्रीन की बात करें तो फुल HD स्क्रीन आपको मिलेगी, IPS डिस्प्ले मिलेगा, 1.3 GHz का प्रोसेसर चिपसेट आपको यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ पे मेमोरी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट है, सिम और मेमोरी कार्ड यहाँ पे आपको कोई पीछे से आपको कोई सिम का ट्रे नहीं मिलेगा, ये पीछे का इसका बैक कवर खुलता है, प्लास्टिक बॉडी है इसलिए। फिर सिम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक नॉर्मल सिम और एक माइक्रो सिम आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नैनो सिम डाल सकते हैं या माइक्रो सिम, और इसी के ऊपर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलेगा, बैटरी भी रिमूवेबल है। बस दोस्तों ये था इसका ओवरव्यू, ये था जियोनी का F103 प्रो। इसी के साथ मेरा रिव्यू इसके बारे में खत्म होता है, पर मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस।